आज हम मैंगो चॉकलेट बना रहे हैं। उसके लिए मैंने एक आम का पल्प बना लिया है और ये मैंने 125 ग्राम वाइट चॉकलेट ले ली है। तो हम शुरू करते हैं चॉकलेट बनाना। ये मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंगो पल्प को एक कढ़ाई में डाल दिया है और इसको जब तक इसका पानी नहीं जल जाता तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। ध्यान रखें ये काम बिल्कुल लो फ्लेम पे करें वरना मैंगो पल्प सारा नीचे लग के जल जाएगा। ये हमने मैंगो पल्प को एक दो मिनट तक भून लिया है ताकि इसका पानी जल जाए, क्योंकि चॉकलेट में अगर पानी लगेगा तो चॉकलेट ख़राब हो सकती है। अब हम इसमें वाइट कंपाउंड डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ये देखिए चॉकलेट मिलाने के बाद भी हमने इसको लो फ्लेम पे दो मिनट तक भून लिया है और ये देखिए गाढ़ा होने लग गया, एकदम ड्रॉपी कंसिस्टेंसी पे आने लग गया ये। तब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हमको इसे फ्लेम से उतारने के बाद भी बीट करना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और बीट करने से इसमें एक अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। ये देखिए बीट करते करते ये गाढ़ी होने लग गई है और इसमें एक शाइनिंग भी आने लग गई है। ये देखिए ये गाढ़ी होती जा रही है। ये जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे गाढ़ी होगी। उसके बाद हम इसको मोल्ड में सेट करने के लिए डालेंगे। ये मैंने सिलिकॉन का मोल्ड ले लिया है। आप चाहें तो किसी प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको हमें रूम टेम्परेचर पे आने तक बीट कर लेना है अच्छे से। ये आप देख सकते हैं गाढ़ी होती जा रही है, ये कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए कितनी स्मूथ और गाढ़ी होती जा रही है ये। अब मैं इसको मोल्ड में डालूंगी सेट करने के लिए। ये देखिए सारी मैंने मोल्ड में डाल ली है। अब इसको टैप करके सेट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा बार रहे उसे साफ कर लें वरना इसका शेप बिगड़ जाएगा। अब मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स दो घंटे में हमारी चॉकलेट सेट हो गई है। मैं एक आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी चॉकलेट सेट हुई है और तोड़ के भी दिखाती हूँ मैं आपको ये कितनी सॉफ्ट बनी है ये देखिए। तो बस आप भी ऐसे इजी वे में घर पे ये मैंगो चॉकलेट बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।